दुनिया में आते हुए जितने भी फैंस हैं, पंखे हैं, वो सब के सब किस साइंस के ऊपर बेस्ड हैं? इसी क्वेश्चन को आंसर करता है हमारा इस सेशन का टॉपिक, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। टॉपिक ये बेस्ड है एक एक्सपेरिमेंट पे, और कोई भी एक्सपेरिमेंट किसी एक सवाल के साथ शुरू होता है। इस एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है दैट व्हाट हैपेंस ऑन प्लेसिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम एक ऐसे कंडक्टर को जिसमें करंट जा रहा है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसमें क्या होगा। सीधा स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट। एपरेटस कुछ इस प्रकार से हो गया। ये एक सर्किट है जिसमें है एक बैटरी और ये है वायर। फिर ये हो गया हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर, एक तरह की रॉड हो सकती है जिसमें करंट पास हो रहा है। क्योंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना है हमें। मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रेजेंट करेंगे इसके आसपास? बाय प्लेसिंग दीज टू मैग्नेट्स, जिसका एक एंड इधर दिख रहा है हमें नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का इस तरफ दिख रहा है साउथ पोल। अब ये तो हो गया एपरेटस। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। इस सर्किट में हम करंट पास करें उससे पहले एक चीज़ ये देखो कि ये जो दोनों मैग्नेट्स हैं इसमें हमें पता है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या करती हैं, निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं। यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा कुछ इस तरह से, नॉर्थ से निकलती हुई और साउथ में एंटर करती हुई। तो कंडक्टर के हिसाब से अगर इसको देखें तो एंगल यहाँ पे जो कंडक्टर का बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो है 90 डिग्री का। अब एक्सपेरिमेंट हम शुरू कर सकते हैं। पास करते हैं करंट इस सर्किट के अंदर। करंट का डायरेक्शन क्या हो गया? पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, कुछ इस प्रकार से। सेटअप पूरा हो गया एक्सपेरिमेंट का। ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे? बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक चीज़ होती है यहाँ पे। जो ये कंडक्टर है इस पे एक फोर्स एक्ट करती है विच इज एट 90 डिग्री एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी एंड ऑल्सो एट 90 डिग्री टू द करंट दैट इज आई। फोर्स एक्ट करने का मीनिंग क्या हुआ? ये कंडक्टर अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया है, ऊपर की तरफ मूव करने की टेंडेंसी हो रही है इसकी। अब सीधा सवाल ये आता है कि इस फोर्स का मीनिंग क्या है, इसका हम क्या कर सकते हैं, क्या हम इसे किसी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं? तो हाँ, इसका एक बहुत ही कमाल का यूज़ है। इसी पूरे सिस्टम को इस्तेमाल करके जो मोटर्स होती हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स, जैसे कि मोटर जो आपके फैन में लगती है, वो चलती हैं। जिसमें अगर थोड़ी सी बात आपको बताएं तो किसी भी मोटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है क्योंकि उसके अंदर वहाँ पे मैग्नेट्स प्रेजेंट होते हैं। प्लस जब हम उस मोटर को करंट देते हैं स्विच ऑन करके तो वहाँ पे फोर्स पैदा होती है, और फोर्स ये कौन सी हो गई जिससे वो फैन वहाँ पे मूव करता है। यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड पहले से थी, करंट भी पहले से था, फोर्स पैदा हुई। दुनिया में जितने भी फैंस हैं वो सब इसी फिनोमेना पे काम करते हैं। ये जो हमने पूरा अभी एक्सपेरिमेंट किया, इसको अगर निचोड़ इसका निकालना हो तो वो एक स्टेटमेंट में हम निकाल सकते हैं। स्टेटमेंट में जाएं उससे पहले रूल का नाम देख लेते हैं। नाम इसका है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अपने जो लेफ्ट हैंड है उसको आप सामने रखिए कुछ इस प्रकार से। इसमें हम यूज करेंगे अपना थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, तीनों को एक दूसरे से 90 डिग्री पे रखेंगे कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे जो इंडेक्स फिंगर है, यानी कि ये वाली फिंगर, ये तो पॉइंट करती है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो दूसरी फिंगर है, मिडिल फिंगर कहते हैं इसको, ये पॉइंट करती है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये जो दोनों हमें फिंगर्स पहले से हमने रखी, ये इनपुट्स हैं एक तरह से जो हमने अभी देखे थे। अब आउटपुट यहाँ पे क्या है? फोर्स का डायरेक्शन कौन दिखा रहा है? थंब। जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करेगा वही हमारा फोर्स का डायरेक्शन है। इसी रूल को कहा जाता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, FBI रूल भी कहा जाता है इसको। एक छोटी सी बात यहाँ पे और जान लो कि इस पूरे सेटअप में फोर्स सबसे ज्यादा पैदा होए ये हम चाहते हैं, तभी फैन सबसे ज्यादा तेजी से चलेगा। और ये तभी होता है जब बी और आई, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। जितना ये एंगल कम होता जाएगा, अगर यही एंगल 60 डिग्री होता तो फोर्स पैदा तो होती लेकिन वो कम होती, और यही एंगल अगर 0 डिग्री होता, यानी कि बी और आई एक दूसरे से बिना किसी एंगल के होते, 0 एंगल पे होते, तो फोर्स वहां पे पैदा होती ही नहीं। इसी के साथ बात हमारी कंप्लीट हो जाती है इस छोटे से टॉपिक के ऊपर। नोट्स की शीट है ये, डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगले सेशन में ऐसे ही किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। अभी के लिए बाय बाय।